राजनीति के चाणक्यों की चालें बड़ी फरेबी है। राजनीति के चाणक्यों की चालें बड़ी फरेबी हैं। जिस कुर्सी पर शास्त्री बैठे, अब उस पर बैठे केपी हैं। नमस्कार, विराट 24 न्यूज की स्पेशल पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। आज आपके सामने खास खबर देकर प्रस्तुत हूं, जिसमें दिखाएंगे सिमरिया विधायक के बड़बोले बयान, भाषण और क्षेत्र की जनता के सवाल जवाब। जनता जिसे अपना अमूल्य वोट देकर सत्ता की कुर्सी पर बिठाई, जब वही जनता का शोषण करने लगता है, तानाशाही दिखाता है, तो वही जनता उसे दुत्कारने पर आ जाती है और तानाशाह के साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते। हम लोग यहाँ जब आएंगे तो जूता तो नहीं मार पाएंगे, पर जूतों की माला जरूर पहना सकते हैं। उनका जूते से जवाब देंगे। सिर्फ गुंडागर्दी, लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा कायम करवा देना, घर में घुस कर मारेंगे जो हमारे साथ, घर की घर में घुस के मारने की धमकी देते हैं तो उनको घर की बहन बेटियां, माँ बहनें सब चप्पल जूते से जवाब देंगी। और बिजनेस में भी क्या कमाल किया, सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों जमकर अवैध कारोबार फल फूल रहे हैं। इन सब कारोबारियों को पोषक आहार राजनीतिक संरक्षण में विधायक केपी त्रिपाठी के द्वारा दिया जा रहा है, और ये हम नहीं कह रहे, ये कह रही है यहाँ की जनता और प्रशासनिक अधिकारी, जो चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं। क्षेत्र में अगर विकास की बात करें तो लोगों का कहना है कि वर्तमान विधायक 100 मीटर की सड़क तक का निर्माण नहीं करा पाए। जो विकास हुआ वो पुराने विधायकों के कार्यकाल में पूरा हुआ, या फिर जो अधूरे रह गए वो वर्तमान में पूरे हो रहे हैं। जिन्हें विधायक अपना विकास बताकर अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, विकास हुआ है लेकिन इनके शागिर्दों का, जयराम अग्निहोत्री का, इनके भाइयों का, इनके चंगू मंगुओं का, जो इनके आगे पीछे दुम हिलाते घूमते हैं। कोई जमीन पर अतिक्रमण कर तानाशाही कर रहा है, तो कोई अवैध उत्खनन कर झंडे गाड़ रहा है, कोई गुंडई करवाने, तोड़फोड़ करवाने का ठेका ले रखा है, जिसे देखकर यहां की जनता कभी शाहबुद्दीन, कभी किम जोंग, तो कभी रावण, और अब इनकी तुलना सद्दाम हुसैन की तानाशाही से करने लगी है। क्षेत्र में नगर पंचायत में अवैध वसूली, बसावन वावा गो अभ्यारण्य में भ्रष्टाचार, पूर्वा फॉल में अवैध वसूली, नगर पंचायत में घूसखोरी से लेकर पंचायतों तक जमकर भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। आइए हम आपको सबसे पहले कुछ उदाहरण दिखाते हैं और उसके बाद सुनाएंगे विधायक के वो बयान जो इन दिनों मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं और जिनको अभी तक आप सुन नहीं पाए हैं। वर्तमान विधायक प्रतिनिधि जयराम अग्निहोत्री हैं, वो जो है, और साथ में राकेश अग्निहोत्री जो कि उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और ये जो है विधायक जी का शायद संरक्षण पाने के बाद ये सब चीजें कर रहे हैं। और जो शासकीय जमीन लगभग 5 एकड़ है आराजी नंबर 43 में, उसको ये लोगों ने कब्जा कर लिया है। साथ ही अभी भी कब्जा इनका चालू है, भू माफिया वाले रोल पे हैं। अब इनको कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है संरक्षण मिल रहा है। कौन पर्ची काटने वाले उधर अंदर है, अंदर काहे की पर्ची कटती है, नहीं पता दिखा वो। हाँ, दो मोबाइल दो उसको। क्या बोल रहे थे आपसे, क्या बोल रहे थे इनके साथ, काहे आप परेशान करते हैं? आज तक हम कभी यहाँ नहीं आए हैं। हाँ, तो पता है हुआ इनके साथ, काहे आप परेशान करते हैं? आज तक हम कभी यहाँ नहीं आए हैं। हाँ, तो पता है हेलो जी सर, बोलिए कौन? राम बाबू। ये कह रहे थे कि कितना था वो? 50 था सर, 50,000 था सर। हाँ, वो आधा है ना। हाँ सर, एक की बात हुई थी ना। अरे सर, हो गया गरीब आदमी सर, ले लीजिए, हो गया। उनके पास बिन बाप के बच्चे हैं, वो लोग किसी तरह से इधर उधर से मांग के व्यवस्था करके लिया के दिए हैं ये। हाँ वो बिल्कुल सही है, पर हमको ऊपर भी देना पड़ेगा ना। हाँ सर, ऊपर भी देना पड़ेगा ना। देख लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए सर, हो गया। इतना नहीं हो पाएगा, किसी तरह नहीं हो पा सकता। हाँ, नहीं हो पाएगा। देख लीजिए, तो हम अपने घर में सर, अब क्या करें, जैसा कहिए वैसे करें। उनके पास व्यवस्था भी नहीं, क्या है कि वो बिन बाप के बच्चे, वो लोग होंगे गरीब बहुत हैं, और उनके नहीं मुझे मालूम है, तभी मैं मदद करने के लिए बात करता हूँ। जी सर, जी
है ना। देख लीजिए 50 दीवारें हैं सर। सुनिए हाँ सर सुनिए, उसमें लेडी ले लेंगे ज्वाइंट डायरेक्टर। हाँ सर बोलिए। ज्वाइंट डायरेक्टर ले लेंगे 50,000 जी, है ना। एक तो कार्यवाही होती नहीं, 10,000 रुपए हम देंगे उनको कल, पीआरसी प्रस्ताव कराएंगे 2,000 रुपए पूरे पार्सल लेंगे। अच्छा सर, है ना। हाँ। कल हम ये कर दें कि फर्जी कर दें, फिर कल उसको निकालने की बात आ जाए तो थोड़ी करूंगा। हाँ बात तो सही बोल रहे हैं, है ना। की बात हुई थी जिससे जिससे हुआ है ना, उससे ज्यादा लिया हम लोगों ने, आपको तो कम आ कर दिया। तो 1,00,000 की व्यवस्था कराना पड़ेगा सर। हाँ 50,000 आप व्यवस्था कराइए कल, वो पैसा मैं वहीं रख के चलाया था, है ना। जब बाद में आपने, मुझे लगा कि 1 होगा तो मैंने गिना तो 50 था वो। नहीं तो बताए थे ना आपको हम 50,000 बाद में दिए थे, जो 5-5 नोट था। हाँ हाँ, और 40,000 वो था। 50 की व्यवस्था करानी पड़ेगी। 50,000 का व्यवस्था कराना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, तभी हो पाएगा। मैं कल परसों कर दूंगा, 40,000 वो वेतन पाएगी। अच्छा, है ना। अच्छा सर, नौकरी नहीं मिलती, आप अपने हिसाब से कर लीजिए, फिर हमको बताइएगा। नहीं तो इनका वेतन 4 महीने का हो जाएगा, बराबर बन जाएगा सर। 5-6,000 जो भी पाई थी वो घट के बन जाएगा 30-35,000। ठीक है सर, ठीक है, बात करेंगे कल। ठीक है सर। हाँ ठीक। ये आपका राम सखा शुक्ला नाम है। शुक्ला साहब, कैसा विकास यहाँ चल रहा है और कैसे दहशत में है लोग, विधायक के किस तरह से झूठे मामलों में लोगों को फंसाया जा रहा है? अब देखिए, अब हम ये तो नहीं जानते कि कौन है, किसके आदमी है। एक दिन रात्रि में हमारे मवेशी पड़े हुए थे खेत में, मैं रात्रि में यहाँ से मवेशी रगड़ने के लिए गया तो 2 आदमी एक बोरी में कुछ लेके आए, हल्का आइटम था, हमको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गांजा वांजा कुछ लिए हों। और एक आदमी हमारे यहाँ से, मतलब उस बोरी के साथ में एक आदमी मोबाइल लिए खड़ा था। अब मैं ये तो नहीं जानता कि वो गांजा लिए थे, क्या लिए थे, हमको फंसाने की साजिश के लिए। और इसमें एक बार 11-12 बजे के दरमियान में करीब से 5 आदमी लाठी डंडे लेके मुँह बांध के भी आए यहाँ पे। मैं यहाँ अकेला आदमी रहता हूँ पहाड़ में, जैसे यहाँ जंगल जैसे हमारे लिए वीरान है, मैं खेती करने के लिए यहाँ पड़ा हूँ, तो यहाँ पर कुछ आतंक तो देखिए थोड़ा नहीं बहुत है, दादा से गुंडाओं से। और अब क्या कहें, किसके आदमी है, कौन करवा रहा है। सबसे ज्यादा खतरा बढ़ जाता है जब जनप्रतिनिधि गुंडा बन जाता है, जिसको आपने वोट देके जिताया। देखिए क्या है कि अभी हमारे ऊपर जो गुजर रहे, तो हम तो यही जानते हैं कि कोई कोई सत्ता का असर तो हमारे ऊपर है, और हम रिपोर्ट भी नहीं कर सकते, रिपोर्ट करेंगे तो हमारे ऊपर उल्टा मुकदमा कायम हो जाएगा। इसलिए कि सत्ता किसी का है, हम किसी के हैं। आवाज उठाए तो कह देते हैं पुलिस बुलाओ। वो पुलिस वो तो देखिए होना ही है, अगर हम किसी की, अगर कोई खिलाफ अगर आवाज उठाएंगे मुकदमा कायम होगा, फर्जी मुकदमे में फंसाया जाएगा। मैं गरीब आदमी हूँ, बताइए, हमारे यहाँ सिमरिया के अंदर सिर्फ एक अकेला मैं आदमी हूँ जिसका कि पानी का कनेक्शन काटा गया है। मैं कनेक्शन जुड़वाया नहीं, नगर पंचायत ने सामूहिक कनेक्शन करके, और बीच में हमको तो यह भी पता नहीं चला कब इसकी वसूली हुई, कब इसकी सिक्योरिटी जमा हुई, और डायरेक्ट आए हमारा कनेक्शन काट दिए। सिमरिया के अंदर एकमात्र मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जिसका पानी का कनेक्शन काट दिया गया। चलिए ऊपर वाले की कृपा थी, जो कि हमारे घर में कुआं था, पानी पीने के लिए कोई ऐसी समस्या नहीं आई, लेकिन इतना तो कर दिया गया कि मतलब हम विधायक जी के खिलाफ अपना मतलब दुख प्रकट किए तो हमारा पानी का कनेक्शन काट दिया गया। तानाशाही कुल मिलाकर हो गया। लोग तो तुलना कर रहे हैं, सद्दाम हुसैन कहने लगे पहले हो गया। देखिए क्या है कि हमारे ऊपर जो गुजर रहे तो वही हम जानेंगे। अब जैसे उस दिन हमारे ऊपर, हमारे यहाँ 2 आदमी गांजा लेकर आए, गांजा ही रहा होगा, इतना हल्का वजन जब लेके भागे वो तो गांजा ही रहा होगा। अब 12 बजे रात 1 बजे रात किसी को हमारे यहाँ आना बोरी लेके, तो क्या हो सकता है, अब इसको क्या माने हम। मतलब कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, अगर आप विरोध कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं तो किसी मामले में। हाँ मतलब यही है कि गांजे में फंसाया जाएगा, कोई में कोई मुकदमे फंसा के मतलब इसको जेल भेज दिया जाए, जिसमें कि आवाज़ बंद कर लेगी, दबाव बनाकर प्रताड़ित। जी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं, लोग हमको ये भी, यहाँ गाँव के कुछ तानाशाह लोग आए गाँव के, कि आप अगर आवाज़ उठाओगे तो सदैव के लिए आपकी आवाज़ बंद हो जाएगी, ऐसा भी हमको धमकी दी गई। क्या कर सकते हैं, अब बताइए, हम यहाँ अकेला आदमी रहते हैं, जंगल में रहते हैं, अब किसके किसका सहारा लें। शेर जंगल में अकेला रहता है वो ठीक है, शेर जंगल में रहता है, लेकिन हम उतने बड़े शेर नहीं है कि विधायक जी जैसे
नेताओं से तो हम नहीं टकरा सकते। सच्चाई का जमाना भी तो है, सच्चाई का भी तो समय है। सच्चाई थोड़े दिन बाद आएगी, अभी 2 वर्ष का मुझे इंतजार है। 2 वर्ष तक अगर मैं जिंदा रह गया तो ये सच्चाई मैं उजागर करके रहूँगा। क्या लगता है जो लोग कह रहे हैं सद्दाम हुसैन जैसे बर्ताव कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे ऊपर जो गुजर रहा है तो हमको तो ऐसा ही महसूस हो रहा है, लेकिन हमारे सामने अब कोई विधायक जी तो नहीं आए, लेकिन कोई में कोई तो आया, और विधायक जी के ही आदमी जो हमारे ऊपर इतना बड़ा प्रहार किए, 5-5 आदमी, 6-6 आदमी लाठी डंडे लेकर और रात में मुंह बांध कर आए, तो हमने ऐसा कोई इतना बड़ा जुर्म तो नहीं किया है कि हमारे ऊपर प्रहार करने आए रात्रि में 1-1 बजे रात, 2-2 बजे रात। क्या कमाल किया। क्षेत्र की जनता का कहना है कि वर्तमान सेमरिया विधायक के पितृपाठी एक कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे वो जनता के सामने बता सके। पूर्व विधायकों के कार्यों को गिनाकर वाहवाही लूट रहे हैं। क्षेत्र के लोग बताते हैं कि बसामन मामा के पास एनीकट, जोनी, कौवाढान रोड, बीड़ा पुल निर्माण, झलवार पुल, सेमरिया कॉलेज का नया भवन, सेमरिया बाईपास, सेमरिया मणिकपुर रोड, पूर्वाफाल, तमस नदी का पुल, रीवा बनकुया मार्ग और वर्तमान में भी बीड़ा सेमरिया 41 किलोमीटर का मार्ग का चौड़ीकरण प्रस्तावित है, और ये सभी कार्य पूर्व विधायक अभय मिश्रा और नीलम मिश्रा के कार्यकाल के हैं। जिन्हें विधायक केपी त्रिपाठी अपनी सौगात बताकर वाहवाही लूटते हैं तो जनता हंसने को मजबूर हो जाती है। क्या नाम भैया आपका? आनंद प्रताप सिंह। ये कौन सा स्थान है जहां हम लोग खड़े? ये बिलहाई है। कैसा यहां विकास है? ये जो सड़क विकास बिल्कुल निम्न स्तर का विकास है। यहां के जो विधायक, बड़े विधायक की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, क्या विकास किया है? कोई विकास नहीं किया। ये रोड हमारी 2 किलोमीटर की सेमरिया पहुँच मार्ग है, 50 गाँव का रास्ता है। 50 बार विधायक जी से बोला गया कि भैया ये रोड बनवा दीजिए, बोले वो तो बड़े लचड़े में पड़ी है, उसको अभी मैं दिखवाता हूँ, सुनवाता हूँ, करवाता हूँ, अभी नहीं उद्घाटन, फिर करवाता हूँ इसका शिलान्यास, फिर करवाता हूँ शिलान्यास। आज तक कोई कार्य इस रोड का नहीं कराया गया। अगर विकास की बात उठाए, आवाज़ उठाए तो कहते हम घर में घुस के मारेंगे, ऐसा सुने होंगे? हाँ, सुना हूँ। क्या मामला है, क्या जवाब देंगे किस तरह से आप लोग? अब जवाब हो गया, जब गाँव में आएंगे वोट लेने के लिए तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा। किस तरह से जवाब दिया जाएगा? जवाब दिया जाएगा, माला पहनाया जाएगी जूतों की, और किस तरह से विकास किया जाएगा? विकास में डरवाना चाहते हैं, बिल्कुल धमकी देना चाहते हैं। झूठ विकास होता है, झूठ विकास का शिलान्यास कर देते हैं कि 1 करोड़ का यहाँ कर गया, 50 करोड़ का वहाँ कर दिया। पुराने कार्यों को विकास अपना, बस पुराने कार्यों को। हकीकत धरातल में क्या है? धरातल में कुछ नहीं है। देख लीजिए कितने दिनों की, 3.5 साल का विधानसभा का चुनाव होके हो गया, 3.5 साल से रोड पड़ी हुई है। पूर्व विधायक जी इसका वो ठेका लिए थे, फिर उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो फिर वो ठेके वो हो गया। उसके बाद ये विधायक जी बोले कि मैं इसको दिखवाता हूँ कहाँ फाइल है, क्या है, कैसा है। आज तक उसकी फाइलें नहीं मिल पाई। एक दिन अभी हमारी माता जी ख़त्म हो गई थी तो सांसद महोदय आए थे, तो उनसे हमारे बड़े साहब भाई साहब ने बोला कि सांसद महोदय रोड का आज तक विधायक जी से हमने 50 बार गाँव के लोगों ने कहा, हम लोगों ने सामूहिक तौर पर कहा, बोले मैं फाइल ढूंढवाता हूँ, वो फाइल कहाँ गुम गई है, क्या हो गया है। कागजों में, सोशल मीडिया, हाँ कागजों में दिखाने के लिए, बस बस बस, बाकी धरातल पे कुछ नहीं चल रहा। और जो पुराने कार्य हुए उनका लोकार्पण करते हैं तो अपना दिखाते हैं कि हम, हाँ हाँ हाँ, पुराने कार्यों का लोकार्पण खूब जोरों से करते हैं। हकीकत क्या है धरातल में? धरातल में हकीकत तो अब यहाँ मीडिया भी है, यहाँ पे देख लीजिए कि क्या है हकीकत में क्या है। इसी तरह से विकास चल, इसी तरह से विकास चल रहा है। उस पर कहना है कि हो गया, सुनाई हमको भी पड़ी है, मैं भी सुना हूँ, क्या तो जूतों की माला, जूता मारेंगे तो हम लोग भी यहाँ जब आएंगे तो जूता तो नहीं मार पाएंगे, पर जूतों की माला जरूर पहना सकते हैं। स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे। आप डरवाना चाहते हैं, धमकी देना चाहते हैं इस तरह से? तो हो गया, धमकी ही तो है एक तरह से, और क्या है? विकास नहीं किया अगर कोई, विकास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए ना विकास क्या है, हम लोगों को रात दिन की रास्ता है, 24 घंटे, रात में हो दिन में हो 24 घंटे हो, गांव की रास्ता है। मिलाकर क्षेत्र के लोग अब की बार स्वागत करने के, बिल्कुल स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जूतों से स्वागत होगा, मालाओं से, जूतों की मालाओं से स्वागत होगा। क्या कमाल किया। सेमरिया विधानसभा अगर चर्चा में है तो वर्तमान विधायक के क्रियाकलापों से, जो कभी विरोधियों के किडनी लीवर खराब करने की बात करते हैं तो कभी घर में घुसकर मारने की, कभी आवाज उठाने वालों पर हमला कराकर तो कभी झूठे मामलों में फंसाकर परेशान करवाने में, तो कभी इटहा जैसे कांड के आरोपियों को संरक्षण देकर, जिन्हें देखकर ही यहां के लोग अब विधायक की तुलना इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन से करने लगे हैं और उनके स्वागत की तैयारी भी कर ली है। विधायक के जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं उन्हें आप सुनकर उनके ज्ञान का, अनुभव का अंदाजा लगा लेंगे और ठहाका लगाने से भी नहीं चूकेंगे। विधायक को पानी और जल का क्या संबंध है यह नहीं मालूम। विधायक कहते हैं कि कांग्रेस शासनकाल में सेमरिया के लोग घास फूस खाते थे और कई तो भूखे मर जाते थे।
एक तरफ विधायक सेमरिया के स्वाभिमान की बात करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष रूप से ये कहते फिरते हैं कि अगर वो ना होते तो सेमरिया के लोग आज भी घास फूस खा रहे होते। यानी उन्होंने क्षेत्र के लोगों को दाना देना शुरू कर दिया है। ये सेमरिया के लोगों का अपमान नहीं तो क्या है। वहीं दूसरी तरफ विधायक एक बड़ी बात कहते हुए नजर आते हैं जो 100% सही है कि उन्होंने ठेकेदारी में कमाल कर दिया। कोई अगर विधायक का विरोध करता है तो उसे घर में घुसकर मारने की खुलेआम धमकी देते हैं। 50 साल पहले तक कांग्रेस की सरकारें रही, 1 रुपए किलो गेहूं चावल जैसी योजना, गरीब भूखों मर रहे थे, कितने लोग भूख की तड़प से मर जाते थे, कितने लोग चारा घास भूख खाकर जीवन व्यतीत करते थे, रह गए। और उनमें से कितने युवाओं ने अवसरों का लाभ उठाया होगा और मैं बिजनेस में उतार आया और बिजनेस में भी क्या कमाल किया क्यों जोर से दबाना है, क्यों हौके दबाना? हमारी बघेली में हौके कहते हैं, यहाँ भी हौके कहते हैं क्या? हमारे यहाँ कहते हैं हौके, यहाँ क्या कहते हैं? जोर से, जोर से दबाना है। अच्छा, जोर से दबाने से क्या होगा? और एक अगरबत्ती लायक है कि हमारे विधायक, हमारे बेटा पानी के लिए, चाहे सिंचाई का, चाहे पानी के लिए जल का, घर में घुस कर मारेंगे जो हमारे स्वाभिमान से खिलवाड़ है, घर में घुस कर मारेंगे जो हमारे स्वाभिमान से खिलवाड़ है। ठीक है, हमारा आशीर्वाद। देखा आपने, क्षेत्र में सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी की बात छोड़कर किस तरह से अपराध, भ्रष्टाचार, माफिया राज को संरक्षण देने के आरोप विधायक पर लग रहे हैं। विकास के नाम पर 100 मीटर सड़क ना बना पाने वाले विधायक पर अवैध वसूली, शासन प्रशासन का दुरुपयोग, गुंडागर्दी करवाने के आरोप लगे हैं, जिन्हें बीच बीच में विधायक स्वयं सिद्ध कर रहे हैं। आइए आपको क्षेत्र के लोगों को सुनाते हैं जिन्होंने पहली बार प्रतिक्रिया दी है घर में घुसकर मारने और क्षेत्र के लोग घास फूस खाते थे उनके विवादित बयान पर। ये कौन सा स्थान है? बिलहाई, सिमरिया विधानसभा। कैसा विकास है यहाँ? अभी आज ही रोड नहीं है तो आजादी के 74 साल बीत गए, कैसा विकास हुआ है यहाँ? यहाँ कुछ नहीं हुआ। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ? समस्या खाद बीज का है, रोड नहीं है। विधायक फेसबुक में फोटो डालते हैं, आज इसका लोकार्पण किया, इसका भूमि पूजन किया, भूमि पूजन कागजों में हो रहा है क्या? कागज में, लेकिन काम नहीं। चुनाव होगा, आएंगे तो आप लोग कुछ जवाब देंगे? देंगे। कैसा जवाब होगा? उनका जवाब देंगे। आक्रोशित है इतना? बिल्कुल। घर में घुस के मारने की बात करते हैं, अगर कोई आवाज उठाता है तो हम लोग भी मारेंगे ना उनको, या इधर आने नहीं देंगे सिमरिया के इधर गांव। जनता वोट देती है जी, बड़ी आशा के साथ वोट देती है कि हम जनप्रतिनिधि चुने हैं, हमारी दुख दर्द सहेगा। लेकिन अब ये कह के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे तो क्या दबा कर रखना चाहते हैं? नहीं को, हम लोग भी मारेंगे, दबने वाले नहीं है। नहीं को, अभी सुना है आपने? जी जी, जूता से। क्या है भैया सिमरिया में? कुछ नहीं, विकास है सर, यहाँ सब ऐसे ही चल रहा है। ये कैसे विधायक जो हैं आपके, KP त्रिपाठी, ये तो, ये सद्दाम हुसैन जैसे काम कर रहे हैं, घर में घुस के मारने की धमकी देते हैं, कुछ काम लेके जाए तो गाली देते हैं, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। और जब वोट मांगने आएंगे तो क्या करेंगे आप लोग? वोट मांगने आएंगे तो चप्पल जूतों से उनका स्वागत करेंगे, और घर की, घर में घुस के मारने की धमकी देते हैं तो उनको घर की बहन बेटियां, माँ बहनें सब उनको चप्पल जूते से जवाब देंगी, तब उनको एहसास होगा और पता चलेगा कि सिमरिया जिले में क्या विकास कर रहे हैं। आप लोग जब वोट दिए होंगे तो ये लगा होगा कि अच्छा काम करें, कुछ विकास करेंगे, हम लोगों का कुछ अच्छा होगा, इसलिए उनको वोट दे के जिताया गया। लेकिन अब ये धमकी दे रहे हैं? अब धमकी दे रहे हैं, घर में घुस के मारेंगे, गालियाँ देते हैं, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। रण बहादुर सिंह, ये कौन सा गाँव है? सिमरिया। ये कैसा है यहाँ विकास विधायक का? विकास क्या है सर, विधायक का ऐसा है कि यहाँ गांव में जो है विधायक बोलते हैं कि घर में घुस के मारूंगा, तो ये अब दोबारा जो आएंगे तो इनको जो है घर की लेडीज बच्ची है जो है तो चप्पल से मारेंगी औरतें। विकास कुछ नहीं किया? बस कुछ नहीं किया, धमकी दे रहे हैं कि घर में घुस के मारूंगा। तो अबकी बार जवाब देगी जनता? सीधे मार
के बात करेगी इनसे, कुछ नहीं किए, धमकी देते हैं हमसे कुछ बात अगर लेके जाओ जी, धमकी देते हैं, ऐसा कर देंगे, घर में घुस के मारेंगे भाई। आक्रोशित है इतना लोग? हाँ, लोगों की खेती नष्ट करवा दिए। अरे सब मान लीजिए कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ गाँव में, झूठे मामले में फंसा रहे हैं, खूब फंसा रहे हैं यार, कि कोई उनके फरियाद लेके जाता है तो गाली देके द्वार से भगा जाता है। तो अब की वाला आप लोग बिल्कुल नाराज हैं? सीधे द्वार से भगाएं। ऐसा विकास है अपने सिमरिया में? कुछ नहीं है सर, यहाँ सब फालतू है। हाँ जी, विधायक कहते हैं कि हम घुस के मारेंगे अगर कोई आवाज उठाए, क्या मामला है? हमारे ही वजह से विधायक बने हैं सर। हाँ। और बोलते हैं घर में घुस के मारे, कोई फरियाद लेके जाए तो बोलते हैं घर में घुस के मारेंगे। तो कैसा जवाब देंगे अब की बार आप लोग? हो गया वही, हरा देंगे। काम कुछ किया यहाँ क्षेत्र? कुछ नहीं, लेटरिन बाथरूम कुछ नहीं बना है। रोजगार? कुछ नहीं है सर, सिर्फ धमकी है। सिर्फ धमकी, हमारे ही दम में हमारे फैमिली के गांव वालों के वजह से विधायक बने हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। अपने लोगों को फायदा खूब दिलवा रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, अपने लोगों को दे रहे हैं सर, भाई बहन इनके सब काम कर रहे हैं। और जो कहते हैं घर में घुस के मारेंगे, हो गया उसका जवाब घर वाले देंगे चप्पल जूते से। कैसा बर्ताव है जनता के साथ इनका? सद्दाम हुसैन के तरह गुंडा बनते हैं सर, जान से काटने मारने की धमकी दी जाती है कि घर में घुस के काट डालेंगे, गोली मरवा दी जाएगी। जी घर में घुस कर मारेंगे जो हमारे साथ मारेंगे। सुना आपने, यह है क्षेत्र की जनता का आक्रोश, और वह इसलिए है कि विकास के नाम पर विधायक ने कोई काम नहीं किया। अपने चाटुकारों के सामने ताली बजवाने के लिए क्षेत्र की जनता को अपमानित कर रहे हैं। कभी कहते हैं पुलिस बुलाकर अंदर करवा देंगे, तो कभी झूठे मामले में फंसा रहे हैं, कभी घर में घुस कर मारने की बात करते हैं, तो कभी आप जिस जनता से आशीर्वाद मांगते थे नाक रगड़ कर वोट मांगा, अब उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। और यही कारण है कि लोग अब आपकी ईरान के सद्दाम हुसैन से तुलना करने लगे हैं। आइए कुछ और लोगों को सुनाते हैं जिनका विधायक के संबंध में क्या कहना है। संतोष कुमार पांडे। पांडे साहब, अभी सिमरिया में किस तरह का विकास हुआ है विधायक के द्वारा, थोड़ा सा कुछ प्रकाश डालिए। सिमरिया विधानसभा में जो इसका विधानसभा के विकास का इतिहास है, आज तक जो भी कुछ हुआ, इसके पहले जितने विधायक हुए, प्रारंभ में राजमणि पटेल जी हुआ करते थे, तब सिमरिया का विकास कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मध्य प्रदेश में इकलौते कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के माननीय श्री राम लखन जी शर्मा, जितनी उनकी ताकत थी वो किए, हैंडपंपों का उत्खनन। इसके बाद क्योंकि वो अकेले थे तो बड़े काम तो नहीं हो सके। इसके बाद अभय कुमार जी मिश्रा इस सिमरिया विधानसभा में आए, और जो कुछ सिमरिया की आज तस्वीर है तो माननीय अभय कुमार जी ने ही उस तस्वीर को बदला। वर्तमान में जो विधायक वर्तमान मीडिया में बड़ा फोटो लोकार्पण पूजन की ज़्यादातर होती है, विकास कार्य क्या है हकीकत यहाँ? सिर्फ सोशल मीडिया में वर्तमान विधायक के कार्यों का बोलबाला है, यथार्थ धरातल में उनका कुछ भी नहीं है। सिमरिया में सिर्फ गुंडागर्दी, लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा कायम करवा देना, यदि उनके विरुद्ध किसी ने आवाज़ उठाई तो उसको दबाना। हमारे विद्यालय में एक विष्णु प्रताप शुक्ला जी 2-3 हज़ार की नौकरी करते थे, वो फेसबुक के माध्यम से यदि ये गलत काम किए तो उसको उजागर कर देते थे, तो उनको नौकरी से ही निकलवा दिए, झूठे मुकदमा उनके ऊपर लगवाया गया। जो भी उनके विरुद्ध कुछ बोलता है उसको दबाने का प्रयास वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं घर में घुस के, घर में घुस कर, उसको हमने भी देखा है और उसकी हमने कुछ प्रतिक्रिया दी है सोशल मीडिया में कि धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। तो यदि वो बरे हैं तो निश्चित रूप से बुताएंगे। और काम है उनका? बस उनका काम सद्दाम हुसैन के तरीके का है, जिस प्रकार से वो सद्दाम हुसैन तानाशाही एक हिटलर शाही का कार्य किया करते थे और उनका भी फिर अंत हुआ, उसी प्रकार से माननीय विधायक जी का सिमरिया विधानसभा में कार्य चल रहा है और अंत एक न एक दिन होगा। पुराने कार्यों को बताते हैं, मतलब जो विकास दिखाते हैं वो सब पुराने कार्य हैं। सिमरिया विधानसभा में जितने भी कार्य वो गिना रहे हैं, चाहे नवीन कॉलेज का निर्माण हो, सिमरिया में तहसील का दर्जा दिलाने का कार्य हो, सिमरिया कन्या हायर सेकेंडरी का निर्माण हो, ये सब माननीय पूर्व विधायक अभय कुमार जी के हैं और उन्हीं को वर्तमान विधायक अपना काम बता करके वाहवाही लूट रहे हैं। कैसा जवाब मिलेगा इस बार? जैसे वो जनता से बात की कि वो कहते हैं घर में घुस के मारेंगे, तो बहुत ही बुरा बर्ताव करने के लिए लोग बोलते हैं, कैसा लग रहा है? जब से कल से ये चला है
कि हम घर में घुसकर मारेंगे, हम यही आशीर्वाद हमारा ठीक है ना, तो लोग इतना आक्रोशित हैं कि यदि वर्तमान विधायक को लोग पा जाएं तो इस समय तो पूरी पब्लिक उन पर टूट पड़ेगी और इसका बदला वो लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सब लोग प्रतीक्षा में हैं कि कब विधानसभा चुनाव आए और इसका करारा जवाब हम लोग दें। वैसे कुछ हो नहीं रहा है, सब एक दिखावा चल रहा है और यदि बोला जाए तो सीधे उनका मर्डर करवा देंगे, कहीं कुछ और करवा देंगे। कौन कहता है ये? माननीय के पी त्रिपाठी जी और उनके जो क्या लग रहा है, आप लोग युवा हैं अभी, रोजगार, सड़क, पानी, शिक्षा की आवश्यकता है, उसमें अगर कोई धमकी दे घर में घुस के मारेंगे तो क्या मानते हैं, विकास नहीं किया, डरवाना चाहते हैं? बिल्कुल। कैसा जवाब होगा आपकी बार चुनाव में? चुनाव में तो अब 2023 आए तब फिर पता चले कि क्या कैसा होगा। डर है अभी, क्या ना कुछ बोल देंगे तो कहीं कुछ फंसा ना झूठे मामलों में। जी बिल्कुल, ये डर है ना? जी जी, डरते हैं लोग। जी जी, नाम विष्णु प्रताप शुक्ला है। शुक्ला जी, किस तरह से यहाँ विकास चल रहा है, किस तरह से विधायक जी की कार्यप्रणाली है यहाँ, कैसे आप लोग देखते हैं? हमारे नज़र में तो देखिए, विकास तो सिर्फ गिने चुने लोगों का हो रहा है, जो दिन भर उनकी चाटुकारिता करेंगे, उनके फेसबुक में उनका प्रचार करेंगे, उन्हीं का बस विकास हो रहा है। और यहाँ के जो दो चार लोग हैं गुंडे टाइप के लोग, बदमाश टाइप के लोग, सिर्फ उन्हीं का विकास हो रहा है, उन्हीं को ठेके मिल रहे हैं, वो भी जा करके अपना काम धाम करवा रहे हैं, कमीशन भी वहाँ तक पहुँचता है। हर मामले में, चाहे आप पंचायत के मामले में ले लीजिए या आप नगर पंचायत में कहीं भी आप जाएंगे, यहाँ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं है, कोई भी व्यक्ति सुनने वाला नहीं है, आप किसके पास जाएंगे? SDM उनका 3 बार से उसका ट्रांसफ़र हुआ है, आज तक यहाँ से रिलीव नहीं हुए। क्यों? हमारे सामने बोल रहे थे कि यदि आपका कोई ट्रांसफ़र करवाएगा तो हम आतंक मचा देंगे सिमरिया में। ये कोई शब्द है? ये विधायक, ये पार्षद नहीं है, इनको ये सोचना चाहिए कि हमारे पास कितने लोग हमको वोट दे करके यहाँ से विधायक चुने हैं। पूरी सिमरिया आप एक व्यक्ति के विधायक नहीं हैं, इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करते हैं जो एक मूर्ख व्यक्ति नहीं कर सकता कभी। ये जनप्रतिनिधि की भाषा है कि हम घर में घुस के मारेंगे, हम किसी को जा करके गाड़ देंगे, या कि कोई कहीं से चुनाव लड़ेगा तो हम वहाँ चुनाव हराने चले जाएंगे। अरे आप यहाँ आओ ना, आप सिमरिया में काम करके बताओ, एक भी काम नहीं किया इन्होंने। आप चले जाइए, एक भड़रिया गांव की रोड है, आज 3 वर्षों से नहीं बनी, जमीन अधिग्रहण हुआ, रोज़ मुकदमे वहाँ लग रहे हैं, क्यों, कौन सा काम हुआ है? एक भी काम नहीं हुआ। ये बात करते हैं आकर के, यहाँ सिमरिया में विकास की बात करते हैं। विधायक अहंकार बोल रहा है कि डर? अहंकार और डर दोनों टिकट जा रही है हाथ से, वो डर और अहंकार तो इतना है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य और सबसे बड़े यहाँ के जो सिमरिया की जनता का जो दुर्भाग्य है कि यहाँ ठेकेदार आने हैं बस। चाहे आप रीवा से ले लीजिए, कोई भी आए, चाहे आप, हम नाम ना लेंगे किसी का, लेकिन यहाँ सिर्फ ठेकेदारी चलती है। राजेंद्र शुक्ला टिकट तय नहीं करेंगे सिमरिया की, सिमरिया की टिकट उसको मिलनी चाहिए, यहाँ की जनता तय करेगी जो विकास करे। ये नहीं कि कोई उसका विरोध करता है तो उसको नौकरी से निकलवा दो, उसका घर गिरवा दो, ये तमाशा है, लोकतंत्र है, हम भी जानते हैं। देखिए, जनता ही उनको चुनी है तब वो जा करके विधायक बने हैं, तो सच्चा पक्ष का हमेशा विरोध होता है, ये कोई नई बात नहीं है। और एक नेता को इस प्रकार के शब्द कभी भी यूज ना करने चाहिए, ना इस प्रकार की भावना रखनी चाहिए, उनके लिए तो सभी लोग बराबर हैं। कौन यूज करता है इस तरह के शब्द? किसी तानाशाह को आप जानते हैं जो ऐसा यूज करता हो? आपके माननीय सिमरिया विधायक KP त्रिपाठी, लोकप्रिय लोग कहते हैं, लेकिन हमने कभी लोकप्रिय नहीं कहा, हमने लोकप्रिय कहा है। लोकप्रिय का मतलब ये है कि उनके पास 4-6 लोग हैं उनके, वो हाँ चाटुकार लोग, वही सिर्फ उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप देखिए, एक फोटो यदि मिल जाएगी तो कम से कम 20 लड़कों से वही चीज़ शेयर करवाते हैं, एक शब्द तक नहीं चेंज करवाते हैं। ये दुनिया सिमरिया की जनता को बेवकूफ़ समझ के रखे हैं, ये सिमरिया मूर्ख है। सिमरिया अब वो नहीं है, सिमरिया अब दिखाएगी कि सिमरिया क्या है। जो घर में घुसकर मारने की बात कही है उन्होंने, ये कुछ ना कर पाएंगे, कैसा जवाब देगी जनता? ओ भगवान मालिक है, इस वर्ष तो आप, पहली बात तो टिकट ही नहीं मिलेगी, दोबारा मान लीजिए किसी कदर ये लेकर के आते भी हैं तो सिमरिया की जनता मूर्ख नहीं है, इनको एक वोट भी नहीं मिलने वाली, जमानत उमानत न कहीं जब्त हो जाए। कह रहे हैं सद्दाम हुसैन जैसे इनका बर्ताव है, क्या लगता है? सद्दाम हुसैन तो इससे पीछे हो जाएंगे, ये यदि खुदा न खास्ता कहीं से यदि दोबारा जीत भी जाएंगे तो इस बार इस प्रकार का तांडव मचवाएंगे कि एक बार एक तानाशाह हुआ था आपका, क्या नाम है, किंग जोंग, उसका बाप मर गया था तो लोग रो नहीं रहे थे, तो 6,000 लोगों को मार दिया था उसने,
कि हमारे बाप के मरे में रोएं, ये तो उनकी कैटेगरी के नेता है। ये इनके पास अहंकार इतना है और अति कर दिए हैं। सिमरिया की जनता तो बिल्कुल हाथ रख करके इंतजार कर रही है कि कब वो समय आए और इनसे छुटकारा मिल जाए। सिमरिया को नौकरी से निकलवाया गया, नौकरी से हमको निकलवाया गया। मैं 3000 की नौकरी करता था, ये कृष्णा हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ फ़ोन लगा करके कहते थे उसको तत्काल बाहर करो स्कूल से। हमारा फेसबुक में विरोध करता है, वो हमारे खिलाफ़ बोलता है, उसको बाहर करो तत्काल। हमको 4 महीने हो गए, हम छोड़ दिए स्कूल, अब क्या करेंगे? सड़क, पानी, बिजली, रोजगार, शिक्षा की बात कर कर वोट लेने वाले जी जीत कर आते हैं और उसकी फिर ये स्थिति होती है कि 3000 की सैलरी वाले को भी निकलवाने में अपनी बड़ी महारत समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा। वो हमें तो ये लगता है कि भला हम तहसीलदार नहीं हुए, नहीं हमको तो वो पाकिस्तान के बॉर्डर पार भिजवा देते। एक जरा सी नौकरी में, 3000 की नौकरी में हमको निकलवाया, ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी से? अब तो कोई उम्मीदें नहीं, हम तो ठीक है, पूरी सिमरिया की जनता ने उम्मीद अब छोड़ दी है। सिमरिया विधायक से कोई उम्मीद नहीं है, उनको अब ये लगता है कि 1.5-2 साल जो बचे कुछ दिन है, किसी कदर शांति से जीवन बचा रहे बस, हो गया, यही प्रार्थना है सिमरिया, जीवन बचा रहे बस। क्या कमाल किया। तो यह थी क्षेत्र की जनता जो विधायक के कारनामों का गुणगान करती है। हमने सिमरिया क्षेत्र का भ्रमण किया तो कुछ ऐसे लोग भी मिले जो विधायक का नाम सुनते ही पसीना पोंछने लगे। कड़कड़ाती ठंड में उन्हें पसीना आ गया, जिन्हें अपनी राय देने में पसीने छूट गए। कैमरा बंद होने के बाद जो कहा ना हम बता सकते हैं और ना ही आप सुनना चाहेंगे, जिसे देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि सिमरिया विधायक का क्षेत्र में कितना खौफ है। विधायक खुले मंच से सिर्फ धमकी ही नहीं देते बल्कि कारनामे भी करते हैं जिनके संबंध में बोलने से लोगों को पसीना छूट रहा है। आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसी ही तस्वीर। क्या है हकीकत बताइए? हकीकत कुछ मालूम नहीं। क्या डर रहे हैं? क्या धमकी? नहीं डर नहीं, कुछ नहीं है। हाँ ना 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 कि देख लेंगे? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। खन के गाड़ने की बात करते हैं, घर में घुस के मारने की बात? हमारे कुछ नहीं है, लेकिन नहीं नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। डर है अभी क्या ना, कुछ बोल देंगे तो कहीं कुछ फंसा ना झूठे मामलों में। जी बिल्कुल, ये डर है ना? जी जी, डरते हैं लोग। जी जी, घर में घुस कर मारेंगे जो हमारे साथ। अब आपको सुनाते हैं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक के कारनामों का विरोध करने वाले भागीरथी शुक्ला और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे शुभ्रांशु द्विवेदी को, जिन्होंने विधायक के कारनामों को लेकर अपनी राय दी। आपको बता दें कि भागीरथी शुक्ला को फंसाने के लिए झूठे मामले दर्ज कराए जा रहे हैं, जिसका खुलासा सिमरिया टीआई अशोक गर्ग ने किया, जिस खबर को विराट 24 पहले ही प्रमुखता से दिखा चुका है। बताया जाता है कि क्षेत्र में 150 से अधिक फर्जी मुकदमे कराकर लोगों को फंसाया गया है, यहां तक कि गांजा और कोरेक्स रखवा कर लोगों की जिंदगी बर्बाद की जा रही है। क्षेत्र में सिमरिया में कैसा विकास चल रहा है और किस तरह के कार्य हो रहे हैं? जैसा कि अपना 3.75 वर्षों में देख रहे हैं कि सिमरिया का विकास जो है वो फेसबुक या और सिर्फ कागज पर है। धरातल पर यदि सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी द्वारा 100 मीटर की रोड बनाई गई हो तो हमें बताया जाए कि किस ग्राम पंचायत में और कहां बनाई गई है। सिर्फ फेसबुक पर विकास हो रहा है, पूर्व के विकास कार्यों की इनके द्वारा भूमि पूजन करा के और अपना गणना करके बताया जा रहा है। आवाज़ उठाने वालों को किस तरह से दबाया जा रहा है? आवाज़ उठाने वाले को कहीं मुकदमा में फंसाएंगे, कहीं उनका घर नपवाएंगे, या तो कहेंगे कि इसको हम जान से मरवा देंगे। अभी हमने दिया था परसोएट में, हम नहीं थे, हमारे यहाँ 1 तारीख को टोल में थोड़ी सी किसी कर्मचारी से, कालीचरण नाम के व्यक्ति से बातचीत हुई थी, जो वीडियो भी वायरल टीआई साहब के माध्यम से हुआ है, जो दबाव बनाकर वो भाजपा में कि हमारे भाजपा में शामिल हो जाए। और टीआई की वीडियो वायरल के साथ साथ आज भी मेरे को पुनः नोटिस मिली है, जो नोटिस है कि इस कैमरे की रिकॉर्डिंग दे। जो ये कह रहे हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे, ये क्या है, किस तरह का दबाव बनाना जा रहे हैं? मतलब जो दूसरे पार्टी के लोग हैं उनको अपने साथ शामिल करने के लिए, मुंह बंद करने के लिए, इनके जो अनैतिक कार्य हैं उन पर रोक लगाने के लिए क्या मामला? हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, हमने भी वीडियो में देखा है, हमने उसको फेसबुक में डाला भी है कि यदि आप किसी को या जनता को कहोगे तो जनता यहाँ की सब समझती है, और जनता आने वाले समय में आप गाँव तो आओ, आपको भी जिस प्रकार आप घर में घुस के मारेंगे तो जनता, मैं कह नहीं सकता, ये तो जनता बताएगी। यदि आप जनता से मिलेंगे तो जनता बताएगी कि हम उनके प्रति क्या व्यवहार कर सकते हैं आने वाले समय में।
क्या दिखाना चाहते हैं विधायक? विधायक जी अपना कैसा बनना चाहते हैं, कैसा अपने क्या रोड माला रहे, किसको मान रहे हैं आदर्श, इस तरह के ये जो वहाँ का था, वहाँ का उसको दाऊद क्या बोलते हैं, सद्दाम हुसैन, ये सद्दाम हुसैन की तर्ज पर कार्य करना चाहते हैं। जिस प्रकार एक तानाशाह था सद्दाम हुसैन, तो सद्दाम हुसैन कभी तो धरातल पे फिर नष्टी हो गए हैं, तो होंगे तो ये भी, लेकिन डेढ़ वर्ष का समय भी लगेगा, अभी डेढ़ वर्ष देखते हैं कैसे होगा। पर सद्दाम हुसैन ना बने विधायक जी, जनता आपको जिस प्रकार आप घर में घुस के मारने की बात करते हैं, उस प्रकार जनता आपका कैसे स्वागत करेगी आने वाले समय में, माला फूलों से कैसे करेगी और किस चीज़ को आपको माला पहनाएगी, वो तो जनता बताएगी। आशीर्वाद दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, उसमें कहते हैं कि कैसा रहा मेरा आशीर्वाद। हाँ तो ये वो घर में घुस के मारने की बात कहते हैं, कहीं कहेंगे हम 100 फुट के पीछे गाड़ देंगे, कहीं कहेंगे कि हम खदेड़ेंगे। किसको किसको खदेड़ोगे आप, किसको किसको गाड़ोगे आप, किसको किसको मारोगे आप, हम तो सह लेंगे। पुराने कार्यों को कह रही है कि पुराने कार्य जो करवाएं उनको गिनाकर लोकार्पण कर। हाँ बिल्कुल, जनता देखिए सब जान चुकी है, जनता को ये लगता है कि आज हमारे ग्राम पंचायत में आए तो 1.5 करोड़ का भूमि पूजन हो रहा है, शायद नया विकास हो रहा हो, लेकिन जनता क्या जाने। वो तो बाद में पता चला कि जिसका पत्थर में जब उसने पढ़ा कि अरे ये तो रोड 5 साल पहले बनी थी, 3 साल पहले, 10 साल पहले बनी थी, उस रोड का भूमि पूजन करके चले गए और 1.5 करोड़ बता गए। अपने चहेतों को लाभ दिला पा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल दिला रहे हैं। अभी देखिए आप नगर पंचायत की बाजार बैठकी का ले लीजिए, बाजार बैठकी का नियम कहीं है रात दिन वसूली का, सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक है, लेकिन पूरी रात वसूली होती है, सामने मड़ैया बना के उनके उनकी जो साथ हमदर्द हैं उनके, जो उनके साथी हैं, उनको लाभ मिल रहा है। टीआई से आपने बात की थी, टीआई ने भी कहा माना कि किस तरह से दबाव बना। हाँ टीआई का वीडियो जो आप लोगों के बीच मीडिया में मैंने दिया है और मीडिया के लोग समक्ष उपस्थित थे, मैंने उनके सामने बात की थी टीआई से, तो टीआई ने कहा कि आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, आपको जिला बदर की कार्रवाई के लिए और आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, उसमें साफ साफ झलक रहा है। उस वीडियो को आप प्रस्तुत करिए, आपने मीडिया में चलाया भी है। मतलब कुल मिलाकर जो समाज सेवी हैं, कारोबारी हैं, वोटर हैं, उनको कुल मिलाकर अभी से दबाव बनाया जा रहा है। बिल्कुल भय है उनको, चूंकि मैं भी कहीं ना कहीं कारोबारी के साथ साथ इस क्षेत्र का पुश्तैनी निवासी हूँ, मैं भी जनप्रतिनिधि समिति का अध्यक्ष रहा, हमारे विषय जनपद सदस्य रही, मैं नाहर का भी सदस्य हूँ, मेरे पिताजी भी नगर पंचायत चेयरमैन थे, तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ साथ उनको ये भय है कि भागीरथी के पास भी वोटर हैं, इसको अपने हाथ हाथ में लें हम, लेकिन हम कैसे चले जाएं ऐसे व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति दबाव बना के जनता का शोषण करता हो, जनता का खून चूस रहा हो, इस ऐसे व्यक्तियों के साथ शामिल नहीं हो सकते हम, तो निष्पक्ष व्यक्तियों के साथ रहेंगे, जो व्यक्ति हमारे क्षेत्र की बात करेगा, विकास की बात करेगा, हम उसका साथ देंगे, ऐसे भ्रष्ट नेता विधायक का नहीं देंगे जो सद्दाम की तर्ज पे काम करना चाहता हो। जनता इस प्रकार खदेड़ेगी कि इसको कहीं धरती ढूंढे नहीं मिलेगी, टिकट का समय है, टिकट भी नहीं मिलेगी, खैर ये तो उनकी पार्टी का काम है, लेकिन मेरा इतना जरूर कहना है कि सद्दाम हुसैन मत बनिए, वो भी एक दिन धरातल में इसी ज़मीन में गड़ा था। माननीय केपी जी मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि किसी का पीछे मत लगिए, आप अपना विकास के पीछे लगिए ना, विकास करिए ना, विकास के मुद्दे की बात करिए ना। विकास तो लोग कह रहे हैं 100 मीटर में फर्क नहीं पड़ता। हाँ मैं भी तो कह रहा हूँ 100 मीटर, एक रोड हमको बता दें केपी जी ने, जिस रोड का भूमि पूजन पूर्व में किया है उन्होंने, तो पूर्व कार्यकाल का किया है, पूर्व के विधायक, पूर्व के सरपंचों का कार्यकाल में किया है, अपनी एक रोड बता दे 100 मीटर कि हमने अपने ये निधि की बनवाया है 100 मीटर रोड। मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, केपी जी मेरे मोबाइल में उस रोड का विवरण आप भेज दीजिए कि आपने भूमि पूजन करके उस रोड को बनवाया। ये जो अभी सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी जी का वीडियो वायरल हो रहा है, आधा उधल बने हैं, घूम रहे हैं ये, और जनता को और जो भी इनके कामों को उजागर करेगा तो ये घर में घुस के मारेंगे, तो इनको ये बताना चाहते हैं हम कि ये रामतुल्य अटल जी की पार्टी में कैसे कैसे चरित्रों ने जन्म लिया है, जो आप बीजेपी का सर्वनाश करके ही मानेंगे। असाबुद्दीन कहाँ, डिंग डोंग, पता नहीं कैसन कैसन आदमी अब आए गए हैं, जनता की कृपा मिली है जन सेवा का, तहीं तब जनता का खाए के माने स्थित में है, तो भोज का साल 2 साल और बचा है, तो कई ले जाऊँ त्रांडव करे को हो, लेकिन फिर वेखा बर्दाश्तों करे की क्षमता रखे चाहिए। इस तरह का एक जनप्रतिनिधि का वक्तव्य इस लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और आशा करता हूँ कि
एंकर जो उन माई बाप हैं कुछ सीनियर लोग समझामें कि पानी बलकत है चिंगारी नहीं फेंके। ये लोकतंत्र है, जनता सब जान रही है मोदी की कृपा से डिजिटल इंडिया है आजकल, तो एक भरपाई बहुत शीघ्र से हुई है ना। और अभी जो जनता सिमरिया के जनता के वक्तव्य हैं, तो अब विधायक जी के स्वागत जूता माला से करे के स्थित में है लोग, तो एक ध्यान दिन जाए। राम के घर रावण जन्म का है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। घर में घुस कर मारेंगे जो हमारे साथ मारे। रवि मिश्रा, मिश्रा जी, सिमरिया में कैसा इस समय विकास चल रहा है और यहाँ के जो विधायक है कैसा कार्य कर रहे हैं? यहाँ अब तक जितने विधायक रहे तो होगा ठीक, अपने जैसा काम करें तो ठीक है आए, लेकिन जब से केपी त्रिपाठी आए विधायक तो मतलब को का घुस के मारवे वीडियो अभी वायरल भा हमहूँ पंचे दिखें तो लगा कि एक ही पहले जब विधायक रहे तो या मैं कहाँ उनकर यह चर्चा नहीं रही कि हम को अगर विपक्ष आवाज उठाई तो हम ओके घर में घुस के मारब। अरे एक ही पहले सरकार जो रही तो यह सरकार माँ जो केंद्र सरकार रही वो माँ अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने रहे विपक्ष के आई तबहूँ उनका बनाई रहा विदेश मंत्री। लेकिन ई कौनो विपक्ष के लोग आवाज़ उठावते कि भैया यह रोड नहीं बनिया है, यह काम नहीं भाए, तो हम ओका भीतरे घुस के मारब। यह भावना कि विधायक लागत है कि बीजेपी का यह में वाले लोगन का टिकट दे थी का सिमरिया की जनता न जी पाई इनके कारण। अरे भैया अपन लोग को आवाज़ उठावे चाहते हैं तो उनका तो मारे का ना कहा भाई, शहाबुद्दीन बिहार में रहते का सिमरियों बना देवे का भाई, शहाबुद्दीन ना बना किम जो ना बना वो विदेशी आए तो ये भारत क्या है, सिमरिया क्या है, सिमरिया का बदनाम ना करा। सिमरिया का बदनाम करे खातिर तो उनका ठेका नहीं दे दिन गा कि तू अब मौका पाए गए एक बे धोखे से। कहानी यह ही कि एक गिलास में एक लोटिया पानी नहीं अमाए तो इनका पचाता नहीं लगा विधायकी, बिलारी के पेटे में नेऊना नहीं पचाए तैसा इनका नहीं पचा ला गया विधायकी, इनका पचाए कम से कम बन गया विधायक। तो अब तू बीजेपी के विधायक ना रहा, विधायक से मरिया के बन जाए, अब जनता खातिर आ चुन के गए है, तू जिया न देवे को भी पच्छा आवाज उठा दी तो ओके ऊपर हमला करा देवे, ओके ऊपर मुकदमा करा देवे या छोड़ दे। तो पहले अब कह दू नाम जसो नाम तसो गुना, तो इनका कमलापति जो नाम जुड़ा रहा तो वह लंकापति हो गए, शहाबुद्दीन बने चाहल लागे। गब्बर के कहानी कि जौने रोड से निकल जाए गब्बर तो कहीं 50 मील तक लोग फे यह सोच ले थे कि गब्बर निकल गया, तो डेर लोगन के बीच मना भरा जनता आए विधायक बना दी तो दोबारा जो उन्हें कबहू सोच जाए पर जो ये में मन लागे नहीं कि तुमका सोच पाई को। लोग आजकल कहते हैं कि ये सद्दाम हुसैन जैसे बर्ताव करते तानाशाह हो गए भाई, देखी है का जो कहन गब्बर तो ये 16 पिक्चर में गब्बर चलत रही तो लोग देख के मतलब उनका हौसला बुलंद होते है। अरे भैया वो चंगू मंगून का तू राखा तो है वहाँ के कुछ समस्या बतावे कि भैया यह काम नहीं हो पावा तो तू काम करावा उनकर, यह ना कहा कि जो कौ आवाज़ उठा देवे तो हम तुहका गोली मार देव तुहरे भीतरे घुस के मारब। अरे भैया सेवा करे खातिर तुहका जनप्रतिनिधि लोग बनाए नहीं, वो गुंडा ना हो बनाए इनते, अब फिर आज तक कौ का मारे गए जे का मारे जावे कौ के भीतरे घुस के तो का अपन पीठ घरे में धाई के आऊबे, तू तो अपनों पीठ न लेके जावे और जेखे मारे जावे तो कौके हाथ न होई, ओहू के हाथ है तुहार पीठा जाई साथ में, यह न माना कि तुहिन तुहिन मरबे तो हूँ को कौ मारी जब तू जावे था। अबे तो जनता पहले जवाब दे दी भैया, भावना छोड़ दे, यह नहीं चाही कि हमें तू करा, हम पंचे जनता हैं भाई, यह मौका मिला है तो सेवा करा तो कम से कम लागे कि जनता के विधायक आ है तू, गुंडा ना हो है, यह संदेश दे चाही थे देश प्रदेश में जब इनके सरकार सत्ता के लोग हैं तो यह बात का इनका समझामे बुझामे कि हमें आदेश ना निकारा तू अपन कि को मंच मलाई के तू बोली रहे कि को अगर आवाज़ उठाई तो हम भीतरे घुस के मारब, ये छोड़ दे। फिर कह रहे आशीर्वाद तो आशीर्वाद तो तुम्हार खूब है बना है, कहे कि अब तुझे का पुरान फाइल रिपोर्ट के खुल जाए उनके रिपोर्ट करा दे को कुछ बोल दे तो खा मरवा दे, पत्रकार आवाज़ उठावे तो पत्रकार के गाड़ी फोड़वा दे ओके पर मुकदमा करवा दे, और को आवाज़ उठावे तो ओके पर मुकदमा ना करावा, होका ही समझावा कि भैया हम तो हाँ सेवा करब तो सेवा करे खातिर मौका मिला, यह बात का ध्यान रखें भाई, हम पंचे जनता हैं तो हम पंचे करब का सिमरिया में तो सिमरिया में रहब, हाँ तू विधायक है फिर उतर जाबे तो खो आ जाए तो हम फिर सिमरिया में ना रहब, कहाँ पंचे सिमरिया छोड़ दे थोड़ी भैया। एक है पहले सद्दाम हुसैन जो अमेरिका में रहा सब धमकी दे रहा अमेरिका खातिर कि हम जो हैं तो भीतरे घुस के मारब
वह 11 की हमला इट्ठे रहा वह करिस रहा वहाँ तो वह हमला कहके अब फिर लुका कहाँ रहा था जमीन खोद के 4 फुट नीचे लुका रहा मतलब वही लुका का धरती कहाँ नहीं पूज रही है तो लुका का रहा जमीन के नीचे फिर ऊपर से मुदवा लेते रहा कि जब उन्हें कोई जाने नहीं कि कहाँ रुके तो वहाँ हुआ नहीं बच पावाया है। यह कहे चाहते अगर सिमरिया के विधायक इतना दमदार है कि भीतरे घुस के मारा था तो ही चीन के बॉर्डर में लगा दे अब पाकिस्तान के बॉर्डर में लगा दे सारे का पाकिस्तान इनका मार डाले चीन वाले इनका तो कम से कम हम पंचे बच जाब उनसे तो यह संदेश दे चाहते कि हमें करें विधायक जी लोग इनका जब है तो देखें फिर से भैया ये तो एकदम जुलाई नहीं पब्लिक की लागत है क्या कमाल किया विधायक ने सिर्फ क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया में भी खूब धूम मचा रखी है। आइए आपको दिखाते हैं फेसबुक पे कुछ वायरल पोस्ट जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी है। तो आपने देखा और सुना क्षेत्र के लोगों का दर्द जो हमने महान कवि बाल कवि बैरागी जी की कविता सुनाई थी कि राजनीति के चाणक्यों की चाले बड़ी फरेबी है राजनीति के चाणक्यों की चाले बड़ी फरेबी है जिस कुर्सी पर शास्त्री बैठे अब उस पर बैठे केपी हैं। किस तरह से विकास हो रहा है और किस तरह से यमुना प्रसाद शास्त्री राम लखन शर्मा राजमणि पटेल और अन्य विधायकों के नाम और उनके विकास को बदनाम किया जा रहा है। हम राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता को याद कर हम इतना ही कहेंगे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए कि हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद देखते रहिए विराट 24 न्यूज़ हमें दीजिए इजाजत नमस्कार क्या कमाल किया।